देखिए, ये 4 तारीख की रात का घटनाक्रम था। जैसा कि आप लोगों को विदित है, एक माँ और उसकी बेटी की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल पे जो सुराग मिले थे, घटनास्थल पे जो साक्ष्य मिले थे, उनसे जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, वो उसी फैमिली का जो बच्चा है, उनका जो मृतका थी, उनका बेटा, उस पर हमें संदेह था। लगातार हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो मिसिंग था। और कल हम लोगों को सफलता मिली उस समय जब हम लोगों को ये पता लगा कि वो मुगलसराय में है। और इमीडिएटली हम लोगों ने एक टीम यहाँ से रवाना की बनारस के लिए। और शाम को फिर हमें एक क्लू मिला जिसमें ये पता लगा कि वो बनारस में है। और बनारस से हम लोगों की टीम उसको यहाँ लेकर आई। बच्चा सकुशल था। जब उससे बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो पूछताछ के दौरान उसने सारी बातें स्वीकार की और बताया पूरा घटनाक्रम। उसके मुताबिक पढ़ाई को लेके अक्सर उसको डांटा जाता था और कभी कभी पिटाई भी होती थी। उस दिन पर्टिकुलरली दिन में किसी बात को लेके उसकी मदर ने उसको डांटा था और पिटाई भी की थी, जिससे वो काफ़ी क्षुब्ध था और उसके मन में कहीं ना कहीं आक्रोश था। और उसी के चलते उसका कहना है कि सर, हम लोगों को मतलब मुझे समझ में नहीं आया, और रात में मैंने दोनों को उस आवेश में आके बैट से, फिर उसके बाद कैंची से और अन्य हथियारों का प्रयोग करते हुए दोनों को इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। कौन से हथियार से थे? बैट का इस्तेमाल किया गया था, कैंची का इस्तेमाल किया गया था और पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया गया था। सर, आप कौन कौन सी धाराएं उसके लेंगे, किनके तहत मामला चलेगा? देखिए, धारा तो 302 ही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो 16 साल से कम का है, 15 साल के आसपास का है संभवत। तो जो लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो भी नाबालिग बच्चों के लिए जो प्रोविजंस है, उसके तहत जुडिशियल सिस्टम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पढ़ने में कैसा था सर? पढ़ने में बताया जा रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। और पढ़ने में मन कभी कभी बदमाशी करता था या पढ़ने में मन नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, इसीलिए माँ बाप टोकते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ ऐसी होगी या कोई भी पिता ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि मैं बेवजह अपने बच्चे को मारूँ। कोई गेम का भी मामला निकल के आया? गेम की बात एक संज्ञान में आई है। हालांकि प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने उससे बातचीत की है, उसमें इस पूरे घटनाक्रम की वजह उस गेम को हम नहीं मान सकते। गेम का खेलना और घटनाक्रम को अंजाम देना, इतनी बड़ी घटना को, तो कहीं ना कहीं उसमें उतना उस कारण में उतना दम नहीं है कि हम कहें कि उस गेम की वजह से उसने ऐसा किया है।